Hey guys, very very good morning everyone. Good morning guys. Very very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and the company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today let's see the final lecture of our partnership series. Dosto, finally aaj hamara partnership khatam hone wala hai. दो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन होगा ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, और दूसरा जो एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें जेएलपी का कॉन्सेप्ट था वो हमने छोड़ रखा था, वो भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. सो टू क्वेश्चंस वी नीड टू डू टुडे, और दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, एक 15 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में, और एक तो 20 मार्क के लिए आ सकता है. तो बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. लेट्स बिगिन द शो गाइस. सो फ्रेंड्स, अब यह हमारा पार्टनरशिप सीरीज खत्म हो गया. अब कोई लेक्चर्स होंगे क्या? अब नो मोर लेक्चर्स फॉर दिसंबर अटेम्प्ट. मई वालों के लिए वी आर स्टार्टिंग अवर क्लासेस ऑन 10th ऑफ नवंबर. मई के लिए अब सिर्फ वन शॉट रिविजन होंगे यूट्यूब पे, और कुछ नहीं होगा. ठीक है, मिनी मैराथन होंगे, वन शॉट रिविजन होंगे, और डे बिफोर रिविजन होगा यूट्यूब पर. ठीक है, एंड फॉर मे 23 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बैचेस फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर. सो दोस्तों, आरटीपीएमटी में बैच हमारा चल रहा है, 17 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन. आई हैव आल्सो स्टार्टेड रिवीजन सीरीज, मिडनाइट रिवीजन सीरीज फ्रॉम 27th अक्टूबर. बहुत जबरदस्त सीरीज है दोस्तों. 27th अक्टूबर से 30 नवंबर तक चल रहा है ये. 20 सेशन होंगे उसमें 2 घंटे के, और वन शॉट मैराथन भी होगा. 3 SM, PYP, RTP, MTP, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैं कवर कर रहा हूँ. इसमें 10 से 12 का समय होगा दोस्तों रात में. एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, रूम नोट्स रेफर कर लेंगे तो समझ लेना कि लगभग आपने सारी चीजें कवर कर ली है. एंड 60+ मार्क्स चांस स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है बाय डूइंग मिड नाइट रिविजन सीरीज, मिनी मैराथन्स एंड डे बिफोर मैराथन. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ जिसमें एनपीओ हो गया है, कंसाइनमेंट आज हो जाएगा, एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट कर लिया है. मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ इश्यू, रीइश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. ठीक है, सो दोस्तों, मिडनाइट रिवीजन सीरीज, आरटीपी एमटीपी बैच और 900 एमसीक्यूज बैच, ये सारा अटेंड करने के लिए आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन कम से कम लेना होगा अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो. एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 8,100 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड विच इज DKJ10. 10% ऑफ आपको इंस्टेंट मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां मिलेगा आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैलिडेटेड टेस्ट सीरीज और डिस्कशन चैनल. ठीक है, सी ए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप फॉर टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1350 रुपीज ओनली. एंड यस, सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है फॉर 24 मंथ्स विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 45,000. यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड, इट्स DKJ10. ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बोथ दिस यूट्यूब चैनल, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन द चैनल. एंड गाइस, डू फॉलो मी इन द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, माय आईडी C_Darshan_Jain. सो फ्रेंड्स, फाइनल क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे सभी लोग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइएगा. यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अश्मित, मनप्रीत, खुशी, आदित्य, नील, अंशु, सिमरनजीत, दीप्ति. यस, ओम प्रकाश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स बिगिन. So are you guys ready? चलो शुरू करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर 15 मार्क्स. पीटर पॉल एंड प्रिंस वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ही और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी पेड the balance in his capital account, his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of the normal average profit after charging interest on fixed capital for the last 3 years up to 31st December preceding the retirement or death. ठीक है, last 3 साल का average profit और 2 years purchase, his share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on the proportionate basis on the profits of the previous years, has increased by 25%. इस साल का प्रॉफिट आप कितना पकड़ोगे? पिछले साल के प्रॉफिट से 25% ज्यादा, और उसको फिर अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करोगे कि कितना साल जिया था, कितने महीने जिया था पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ डेथ. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट 10% दो पेबल टू दी आवर पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है,
Peter died on 30th September. The books of accounts are closed on calendar year basis from 1st January to 31st December. That means, कितने महीने जिया वो? 9 months. The balance in the capital, the balance in the fixed accounts as on 1st January 19 were Peter 10,000, Paul 5,000 and Prince 5,000. The balance in the current account as on 1st January 19 was Peter 20,000, Paul 10,000, Prince 7,000. Drawings of Peter till 30th September were 10,000 rupees. The profits of the firm before charging interest on capital for the year 16-17-18 were 1 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 50,000. The profit also includes the following abnormal items. Profit on sale of assets, jisko reduce karna padega. Insurance claim received, usko bhi reduce karna padega. The firm has taken out a JLP of rupees 1 lakh. Besides, the partners had severely insured their lives for 50,000 each. The premium in respect thereof is charged to profit and loss account. Method number 1. क्या कह रहे हैं ये JLP भी और SLP भी है, दोनों निकाल रखी है इन्होंने, ठीक है. JLP फर्म की 1 लाख की और SLP तीनों पार्टनर की 50,000 की है. The surrender value of the policies were 30% of the face value. On 30th June 2019, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium rate in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2018. 2018 में आपने 6,000 रुपये कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वो आपको पे करना होगा, ठीक है. एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली. द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000. प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एज ऑन 30th सितंबर अलोंग विद द नेसेसरी वर्किंग्स. वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट बना लेंगे दोस्तों, फिर क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे. बना लेंगे दोस्तों पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 6 लाइंस. पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 6 लाइंस. वर्किंग नोट्स में पीटर कैपिटल अकाउंट 6 लाइंस. वर्किंग नोट में पीटर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाइंस. Peter's current account 6 lines. Make it 8 lines. Peter's current account 8 lines. Then working note 3. Statement showing normal profits after interest on capital with column serial number particulars 16, 17, 18. Around 8 lines. Around 8 lines. Working note number 4, statement showing Peter's share in profit up to the date of death. Around 10 lines, serial number particulars amount. Serial number particulars amount. And last working note, last but one. Adjustment of JLP and SLP. Adjustment of JLP and SLP 8 lines. And last, ascertainment of value of firm's goodwill and Peter's share in it. Around 10 lines. Give me thumbs up if the format is prepared. We will start the question. चलो रेडी, चलो लेट्स बिगिन. गुड क्वेश्चन, लेट्स सी. पीटर पॉल एंड प्रिंस
where partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement of the partner, his legal representatives would be paid the balance in the capital account, his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profit after 3 years, after charging interest on fixed capital for the 3 years to 31st December preceding the retirement of death. यहाँ तक भी कोई post करने की ज़रूरत नहीं है. His share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of profits of the previous year, has increased by 25%. यहाँ तक भी कुछ भी post करने की ज़रूरत नहीं है. Interest on fixed capital is payable at 10%, though payable to the partners will not be payable in the year of death or retirement. Okay. यहाँ तक भी कुछ post करने की ज़रूरत नहीं है. All the assets are to be revalued on the date of retirement or death, and the profit and loss is to be debited credited to capital account with the profit sharing ratio. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है. Peter died on 30th September. The books of accounts are closed on calendar year basis from 1st January to 31st December. यहाँ पर भी कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है. The balance in the fixed capital account as on 1st January were Peter, Paul and Prince. हमें बाकी दो से कोई लेना देना नहीं है, हम बात करेंगे केवल पीटर की. ठीक है, तो पीटर के कैपिटल में कितना बैलेंस है, 10,000 लिख देंगे. पीटर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में लिखना है, बाकी पार्टनर्स का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, द बैलेंस इन द करंट अकाउंट एज ऑन 1st January वेर पीटर 20,000, पॉल 10,000, प्रिंस 7,000. सिर्फ पीटर की बात करेंगे, पीटर में 20,000 का बैलेंस है. डाल देंगे दोस्तों पीटर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. Drawings of Peter till 30th September were 10,000. Drawings कहा जाएगा debit side में. ठीक है, drawings account current account के debit side में 2 drawings 10,000. Current account के debit side में 10,000. The profits of the firm before charging interest on capital for the year 16, 17, 18 were 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000. हमें प्रॉफिट सही करने होंगे, प्रॉफिट में बहुत सारे रेक्टिफिकेशन है, तो हमने वर्किंग नोट 3 बना रखा है दोस्तों. वर्किंग नोट 3 में लिख देंगे प्रॉफिट एज गिवन. कितना प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 1,00,000 रुपया, 1,20,000 एंड 2018 1,50,000 रुपया. ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स. कभी भी एबनॉर्मल आइटम्स हम लोग कंसिडर नहीं करते. कौन से पर्पज के लिए, गुडविल पर्पज के लिए. ठीक है, सो गाइज कर लेते हैं इसको. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या होगा, एड हुआ था तो अब लेस कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट को हमें इग्नोर करना है. कर देंगे बी लेस, सी लिख दो, सी ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करना है, तो सी लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. कितना, 5,000, 7,000 और 10,000. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 3,000 और 12,000, ये भी लेस कर देंगे. डी लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 3,000-12,000. अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा एट 10%. ठीक है, सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ किसकी बात करेंगे, कितना है कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, 10,000, 5,000 और 5,000. 20,000 का कैपिटल है और देना कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम. 2,000 रुपया लेस हो जाएगा. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. 2,000, 2,000, 2,000. नेक्स्ट,
The firm has taken out a JLP for rupees 1 lakh. Besides, the partners had severally insured their lives for 50,000 each. The premium in respect thereof has been charged to profit and loss account. The surrender value is 30% of the face value. ठीक है, आखिर में कर लेंगे. On 30th June 2019, the firm has retrieved from the insurance company that the insurance company in respect of fire policy has been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2018. ठीक है, 6,000 का कम खर्चा लगा है, कम खर्चा इन्होंने डेबिट किया है. डाल दो दोस्तों, डाल दो. एंट्री क्या हो जाएगी? ई लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 रुपया, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 रुपया. लेकिन ये कब का था? पिछले साल का था. कब कर रहे हैं? अब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. मतलब इसमें पीटर का शेयर भी होगा. कितना होगा पीटर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? What is the profit sharing ratio of Peter? 2/4. अब ये last year का खर्चा था 6,000. इसका मतलब अब last year उसको ज्यादा profit चला गया Peter को, क्योंकि ये खर्चा हमने book नहीं किया था. अब खर्चा book कर रहे हैं तो वो जो ज्यादा profit उसको चले गया वो वापिस मंगा लो. वापिस मंगाना मतलब क्या करना होगा? जब ज्यादा profit दे दिए थे, credit कर दिए थे, अब प्रॉफिट वापस मंगाना है तो डेबिट कर देंगे. कहां डेबिट करेंगे? उसके करंट अकाउंट में लिख देंगे दोस्तों, पीटर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में. टू प्रीमियम अंडर चार 6,000 × 2/4 3,000 रुपए. ठीक है क्या? किसी को कोई शक? चलो नेक्स्ट. उसके बाद द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंडिकेट एन अपवर्ड रिविजन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपया. रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में इसका शेयर कितना होगा पीटर का? 2/4. 20,000 × 2/4, ठीक है, कितना होगा? 10,000. कहा जाएगा ये 10,000? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, All the assets are to be revalued on the date of retirement or death, and the profit or loss is to be debited and credited to capital accounts. वैसे तो revaluation का profit current account में जाता है, लेकिन question ने यहाँ पर specifically बोल दिया है कि आप उसको capital account में डालेंगे and not to the current account. तो दोस्तों capital account को credit कर देंगे, capital account को credit कर देंगे. Only Peter की बात करूँगा. By revaluation account 10,000 रुपया. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपया. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद प्रिपेयर एन अकाउंट. चलो पूरा हो गया, अब अपन एक एक चीज चेक करते हैं. सबसे पहले निकाल लेंगे गुडविल दोस्तों. गुडविल के लिए मुझे चेक करना होगा कि मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गुडविल की. ठीक है, सो दोस्तों गुडविल के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा? 2016 का कितना हो रहा है? 1,00,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 90,000. 2017 1,20,000 माइनस 2,000 माइनस 7,000 1,11,000. 1,50,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 1,20,000. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे. क्या है गुडविल का कैलकुलेशन? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इयर्स परचेज? 2 इयर्स परचेज. आ जाओ दोस्तों आखिरी वर्किंग नोट. वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना आएगा? 90,000 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 1,07,000 इंटू 2 2,14,000. ठीक है, सो गाइस वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,14,000. अच्छा, पूरे फर्म का गुडविल 2,14,000 है. पीटर का शेयर कितना होगा? 2,14,000 × 2/4.
पीटर शेयरिंग गुडविल 2,14,000 इंटू 2/4 1,07,000 रुपया। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक? चलो नेक्स्ट। कहाँ लिख देंगे इसको? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शेयर ऑफ गुडविल ब्रैकेट वर्किंग नोट 6 1,07,000, बाय शेयर ऑफ गुडविल वर्किंग नोट 6 1,07,000। चलो अब क्या करते हैं, अब करेंगे जेएलपी का एडजस्टमेंट। जेएलपी का एडजस्टमेंट क्या होगा? जेएलपी 1,00,000 रुपए की थी, पार्टनर ऊपर गया, वो 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। तो पीटर को क्या क्या मिलेगा? फर्म के जेएलपी में उसका शेयर और पॉल और प्रिंस के पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू में उसका शेयर, ठीक है, और उसकी जो एसएलपी अलग से निकाली हुई थी उसमें उसका शेयर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बटेगा? 1,00,000 की जेएलपी, दूसरा पीटर की 50,000 की एसएलपी, और तीसरा पॉल और प्रिंस के एसएलपी में सरेंडर वैल्यू। तीन चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अमाउंट ऑफ जेएलपी, अमाउंट ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी टू बी एडजस्टेड, जेएलपी ऑफ फर्म 1,00,000 प्लस पीटर की एसएलपी 50,000 प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल्स एसएलपी एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ प्रिंस एसएलपी। सरेंडर वैल्यू कितनी दी गई है? क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि 30% होगा सरेंडर वैल्यू। तो मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1,00,000 फर्म की जेएलपी, फिर पीटर की एसएलपी 50,000, फिर पॉल और प्रिंस की कितनी आ जाएगी? 50,000 × 30% 15,000 पॉल के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू और प्रिंस के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 15,000। कुल मिलाकर बांट देंगे दोस्तों, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो क्या है पीटर का? 2/4 90,000। ठीक है, कर लेंगे दोस्तों। अमाउंट ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी टू बी एडजस्टेड, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, 1,80,000, और पार्टनर को दे देंगे दोस्तों पीटर शेयर इन जेएलपी एंड एसएलपी 1,80,000 इंटू 2/4 90,000। क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट कर देंगे। किसको? पीटर के करंट अकाउंट को, पीटर के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय शेयर ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी 90,000। अब लास्ट एडजस्टमेंट कि पीटर का प्रॉफिट कितना होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग ऑल्सो। कैसे निकालेंगे पीटर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ? क्या दिया हुआ है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ विच शैल बी ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से हमको करना है। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? पिछले साल का प्रॉफिट था दोस्तों 1,50,000, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स होंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे? प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से इंश्योरेंस का प्रॉब्लम हुआ था 6,000 का, वो लेस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा इस साल का। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको 9 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें पीटर का शेयर देखेंगे। तो दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग, आ जाओ वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर 2018 कितना दिया हुआ है? 1,50,000। फिर इसमें से सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम जो 6,000 आपने पे किया था, जो रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन वो था 2018 का, उसको लेस कर देंगे। बी इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज 6,000।
कितना हो जाएगा ये 1,44,000। कितना प्रॉफिट बढ़ाना है? 25%। ये 25% प्रॉफिट बढ़ा दिया, 1,44,000 इंटू 25%, 36,000 बढ़ा दिया दोस्तों। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2019 का? एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2019 इट विल बी 1,80,000। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट 10%, दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा लेकिन पीटर को नहीं। तो पॉल और प्रिंस का कितना कैपिटल है? 5,000 और 5,000। तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा पूरे साल भर का। कितना होगा वो? इट विल बी गाइस, इट विल बी लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पॉल एंड प्रिंस 1,000। देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2019 1,79,000। ये पूरे साल भर का हो गया। मुझे कितने महीने का चाहिए? 9 महीने का। वो किसका हो जाएगा? पूरे फर्म का हो जाएगा। लेकिन मुझे किसका चाहिए? ओनली पीटर का। तो नेक्स्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 1,79,000। ये पूरे 12 महीने का है। तो 9 महीने का कितना? 134,250। ठीक है, नेक्स्ट। एंड नाउ गाइस, उसका शेयर कितना होगा पीटर का? पीटर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 1,34,250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2/4, 67,125। उसका शेयर कितना आ गया? 67,125। लिख देंगे पीटर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 67,125। इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, लेट्स क्लोज करंट अकाउंट। कितना आया टोटल? 20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,07,000 प्लस 67,125। 284,125 डेबिट साइड में भी लिख दूंगा। 284,125 माइनस 10,000 माइनस 3,000 271,125 कहाँ डाल देंगे? पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 2,71,125। सेकेंड इफेक्ट दे देंगे पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीटर्स करंट अकाउंट 271,125। अश्मित आता हूँ उस पॉइंट पे। फिर अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे 20,000 का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड 20,000, डेबिट साइड भी लिख दूंगा 20,000। टू पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। टू पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। लिख देंगे सेकेंड इफेक्ट पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीटर्स कैपिटल 20,000। एंड नाउ लेट्स क्लोज दिस अकाउंट। और जो भी बैलेंस आएगा वो पीटर के एग्जीक्यूटर को दे देंगे हम लोग। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इज 271,125 प्लस 20,000 कम्स टू 291,125। इधर भी 291,125। टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 2,91,125।
यस नाउ अश्मित का डाउट देखना दोस्तों। सर 2018 के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस और इंटरेस्ट ऑन लेस कैपिटल लेस करके ही निकालेंगे 2019 का प्रॉफिट या डायरेक्टली। एक चीज समझना, एबनॉर्मल लॉस किसके लिए कम होता है? एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट या एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट सिर्फ ऐसे प्रॉफिट के लिए होता है जो मुझे गुडविल निकालने के लिए काम आएगा। दोनों भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट, इज दैट फाइन? तो जब हमने गुडविल के लिए प्रॉफिट निकाला था तो हमने ये सारे आइटम्स का इफेक्ट भी दिया था। कौन कौन से? हमने इन दोनों आइटम का इफेक्ट दिया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। वो रिसीव जो रिसीव हुआ था उसको लेस कर दिया, लेकिन प्रॉफिट के लिए हमको एबनॉर्मल आइटम्स एडजस्ट नहीं करने पड़ते हैं टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एबनॉर्मल आइटम्स को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा एक डाउट होना चाहिए आपको कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का 2,000 रुपया है, आपने केवल 1,000 ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है, क्या बोला है ये पूरा पढ़ना। पीटर पॉल एंड प्रिंस वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इट वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी पेड। और डायरेक्ट अ फोर्थ पॉइंट पढ़ना, His legal representatives would be paid interest on capital at 10%, though payable to the partners. Partners को तो जाएगा, will not be payable in the year of death or retirement. ठीक है, बट आपको नहीं दिया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। किसी को कोई शक? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगर वो सेंटेंस नहीं होता तो यहाँ पे 2,000 हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि सर इंटरेस्ट तो 9 महीने का ही देना चाहिए था तो दोनों पार्टनर का, आपने पूरे साल भर का दे दिया। दिया पूरे साल भर का, लेकिन यहाँ पे नीचे तो इफेक्ट 9 महीने का ही लिया है ना, नीचे तो इफेक्ट 9 महीने का लिया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? अब यस, एनी मोर डाउट्स एनीवन? वर्किंग नोट 4, डेथ ऑफ डेथ होगा। यस, अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट निकाला है हमने। यस, एक बार खुद करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार खुद करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। एनी मोर डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनी मोर डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? यहाँ पे क्या क्या अलग था मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार वो रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, पहला, वैसे तो सबको ही देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये बोल रहा है कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ठीक है, वैसे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट करंट अकाउंट में डालते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कैपिटल में डालो, इसलिए हमने कैपिटल में डाला। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो हम करते हैं वही करते हैं। एक और चीज और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, एबनॉर्मल लॉस और गेन या एबनॉर्मल आइटम सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आप करोगे तो वहां पे इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसका एडजस्टमेंट हमको करने की जरूरत नहीं होती है। पीटर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ? नहीं सर, डेथ लिखा है, डेट होगा कहां पे? अच्छा यहां पे। ओ हो, ये लो बेटा खुश। खुश क्या बेटा? सर हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना ले, नहीं कर सकते जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना।
सर वर्किंग नोट्स दिखा दो। ये दिखा दिया वर्किंग नोट। ये रहा वर्किंग नोट, ये फिर रहा वर्किंग नोट, ये फिर रहा वर्किंग नोट। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन करें करें लास्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है तो लोग स्टूडेंट्स को लगता है यार काफी डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, बाकी इट्स अ इजी क्वेश्चन वंस यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बचा हुआ था, वो कर लेते हैं, वो हम लोग कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने एमटीपी बैच में करवाया है परसों के दिन, परसों के दिन मैंने एमटीपी बैच में ये करवाया था। ठीक है, बट फिर से अभी कर लेंगे, ध्यान देना दोस्तों। ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आ सकता है, 15 से 20 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको भी दोस्तों। चलो ग्रेट, थोड़ा एक्सटेंड होगा। अगर आपका कोई प्लस बैच है 12:30 बजे तो आप ज्वाइन कर लेना वहां पर, यहाँ पे रिकॉर्डेड आप देख लेना बाद में। ठीक है, मे बी 10 से 15 मिनट एक्सटेंड करना पड़े मुझे, लेकिन आप प्लस बैच ज्वाइन कर लेना अगर आपका कोई आरटीपी एमटीपी बैच होगा। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, या तो फिर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो एज वॉट एवर यू फील लाइक। चलो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ I:8:5:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1993 वॉज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, जनरल रिजर्व 80,000, पार्टनर्स लोन अकाउंट ए बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, कैश अकाउंट 40,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक 1,20,000, फिक्स असेट 2,80,000। ऑन 1 जनवरी 1994 दे एग्रीड टू अल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:6:5। तो दिस इज द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द फिक्स असेट शुड बी वैल्यूड एट ₹3,31,000। अ प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स। द गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट वुड बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड द स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 1,12,000। देर इज अ जेएलपी ऑफ ₹2 लाख फॉर विच एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 10,000 इज पेड। द प्रीमियम इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग फर्स्ट मेथड। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर 1993 वाज 78,000। दैट मींस दिस 78,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 इयर्स वेर 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। Goodwill and the surrender value of the JLP was not to be appearing in the books. That means they are to be adjusted as gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. Draft journal entries necessary to adjust the capital account of the partners and prepare the revised balance sheet. Revised balance sheet बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो चलो आ जाओ दोस्तों, आ जाएंगे फटाफट। Let's prepare the format, everyone. फॉर्मेट बना लो गाइस, लेट्स प्रिपेयर दी फॉर्मेट। जर्नल एंट्री फॉर अराउंड 1 पेज, जर्नल एंट्री इज फॉर अराउंड 1 पेज, फिर उसके बाद में क्या बनाने के लिए बोले हमें, बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो लिख दो बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट और फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स, फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ 3 कॉलम्स एबीसी, थर्ड कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर अराउंड
six lines. Fourth, calculation of value of goodwill and its treatment. And fifth, treatment of surrender value of JLP accounting entry. ठीक है, ये नहीं भी बनाया तो चलेगा, ये नहीं भी बनाया दोनों तो चलेगा, ये मत बनाना, चलो ये मत बनाना दोस्त, सिर्फ ये बनाना कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट. रेडी विद द फॉर्मेट? Give me thumbs up if you are ready with the format, everyone. Chalo, let's begin. A, B and C are partners. The firm sharing profits and losses in the ratio of 8:5:3. Their balance sheet as of 31st December 1993 was as follows. Sundry creditors. Koi adjustment hai kya? No any adjustment on sundry creditors. Sundry creditors mein koi adjustment nahi hai. Likh denge waise ki waise hi balance sheet mein guys. Balance sheet mein sundry creditors 1,50,000. फिर जनरल रिजर्व 80,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, ऑल पार्टनर्स इन होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या रेशियो है? 8:5:3. तो 80,000 डिवाइडेड बाय 16, एक हिस्सा 5,000 के लिए आएगा, तो इट विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1194 डेट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 2A 40,000 2B's capital 5 हिस्से 25,000 2C's capital 15,000 being general reserve distributed to all partners in old profit sharing ratio. Being general reserve distributed to all partners in old profit sharing ratio. ठीक है, ठीक है क्या? नेक्स्ट, लेजर पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेकेंड लाइन बाय जनरल रिजर्व 40,000 25,000 15,000 बाय जनरल रिजर्व 40,000 25,000 15,000 फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट ए और बी. कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, वैसे के वैसे बैलेंस शीट में लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे. पार्टनर्स लोन अकाउंट ए 40,000 बी 30,000 आउटर कॉलम 70,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैसे के वैसे जाएगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डाल देंगे, इसको पोस्ट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 70,000.
1,80,000, 70,000। कैश बैलेंस शीट में सिर्फ नाम लिख देंगे, अमाउंट आखिरी में लिखेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। लिख देंगे गाइस कैश फिगर आखिरी में लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन होने के बाद चेक करेंगे कि और कोई कैश आई या गई है क्या। ठीक है, नेक्स्ट। बिल्स रिसीवेबल 50,000, कोई एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल पर? नहीं, नो एडजस्टमेंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, वैसे की वैसे लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 50,000। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 60,000, क्या एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर्स पे कि 5% का प्रोविजन लगाना है, तो 60,000 इंटू 5% 3,000 रुपया। जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू RDD 3,000 बिंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, इसका लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 RDD 3,000, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स इनर कॉलम 60,000 लेस RDD 3,000, आउटर कॉलम 57,000, आउटर कॉलम 57,000। नेक्स्ट, उसके बाद स्टॉक 1,20,000 दिया हुआ है, स्टॉक का क्या करना है? 1,12,000 पे लाना है, मतलब 8,000 कम करना है। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सेम डेट 1194, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000, 8,000 बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड, बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिसीव रिड्यूस्ड। नाउ इसका पोस्टिंग कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक 8,000, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक दिखाएंगे एट रिड्यूस वैल्यू विच इज 1,12,000। बैलेंस शीट असेट साइड स्टॉक 1,12,000। उसके बाद जाएंगे फिक्स असेट्स 2,80,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 3,31,000 कीजिएगा, कितना वैल्यू बढ़ाना है? 3,31,000 माइनस 2,80,000, 51,000 से वैल्यू बढ़ाना है। एंट्री हो जाएगी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट 51,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000 बिंग फिक्स असेट्स रिवैल्यूड। लेजर पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फिक्स असेट्स 51,000, और बैलेंस शीट के असेट साइड में फिक्स असेट्स 3,31,000। इंटायर बैलेंस शीट कंप्लीटेड, अब आगे बढ़ेंगे। ऑन 1 जनवरी 1994 दे एग्रीड टू अल्टर देयर PSR एज 5:6:5। निकाल लेंगे दोस्तों हमारा गिविंग और सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो क्या है? ये ABC, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? 8:16, 5:16, 3:16, और न्यू क्या है? 5:16, 6:16, 5:16। चलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 - 5, 3:16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हो जाएगा 1:16। गेनिंग रेशियो, और ये हो जाएगा दोस्तों 2:16 निगेटिव गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग एंड बी एंड सी इज आर गेनिंग। ठीक है, कर देंगे दोस्तों, आ जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 8:16 माइनस 5:16, 3:16 सेक्रीफाइस, 1:16 गेन, 2:16 गेन। किसी को कोई शक यहां तक?
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिक्स एसेट्स टू बी वैल्यूड एट 3,31,000 हमने कर लिया। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सनडे डेटर्स इज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स हमने कर लिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 10,000। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट हमारे पास आए गए ये आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो क्या करेंगे, पहले इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर उसमें ये 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू वर्किंग नोट ऑफ गुडविल। आ जाओ दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 5 इयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आफ्टर चार्जिंग कितना है? सेम 14,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000 डिवाइडेड बाय 5, 20,000 रुपीज लिख देंगे आफ्टर चार्जिंग 20,000। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब 10,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। सो एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम इट विल बी 20,000 प्लस 10,000 30,000। या आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अब कितने इयर्स परचेस है गुडविल? गुडविल इज 3 इयर्स परचेस, तो कर देंगे मल्टीप्लाई। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 कम्स टू 90,000। 90,000 किसका शेयर है? पूरे फर्म का। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? 3/16 ए को दे देंगे और 1:2 के रेशियो में बी और सी बियर करेगा। तो गाइस फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000 आ गई, उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। चेक एवरीवन, ठीक है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितना आएगा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन विल बी 90,000 इंटू 3/16, 90,000 इंटू 3/16 16,875, 16,875। और ये कौन बियर कर रहा है? बी और सी। किस रेशियो में? क्या है उनका गेनिंग रेशियो? उनका गेनिंग रेशियो है 1/2, 1/2 में डाल देंगे दोस्तों। 16,875 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 5,625 बी एंड इंटू 2 11,250 सी। लेजर पोस्टिंग भी करना होगा इसका। कैसे करेंगे लेजर पोस्टिंग? ए के क्रेडिट साइड में बाय बी एंड सी, ए के क्रेडिट साइड में बाय बी एंड सी कैपिटल ब्रैकेट गुडविल 16,875 और ए और बी के डेबिट साइड में दोस्तों बी और सी के डेबिट साइड में 2A's कैपिटल 5,625 एंड 11,250। किसी को कोई शक गुडविल एडजस्टमेंट में? किसी को कोई शक? नेक्स्ट, देर इज अ जेएलपी ऑफ ₹2,00,000 फॉर विच एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 10,000 इज पेड। द प्रीमियम इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द सरेंडर वैल्यू 78,000। ठीक है, 78,000 सरेंडर वैल्यू, इसका भी सेम वही करना होगा जो गुडविल का किया है। गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कर लो जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, सेम एंट्री, ठीक है, इसका नरेशन लिख देना। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, कितना होगा ये? 78,000 इंटू 3/16, 14,625 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 4,875 9,750। बींग सरेंडर वैल्यू ऑफ जीएलपी एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
कर देंगे गाइस, इसका भी लेजर पोस्टिंग एस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बी एन सी कैपिटल ब्रैकेट में जेएलपी 14625 और सेकेंड इफेक्ट टू एस कैपिटल बी और सी के कॉलम में 4875 9750। सर क्या कंबाइंड एंट्री जेएलपी और गुडविल की कर ले? एंट्री तो सेम आ रही है, गोनी गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग। यस, दोनों एंट्री का अमाउंट गुडविल और जेएलपी का अमाउंट मिक्सअप करके ऐड करके आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। आप नरेशन में डिटेल दे देना कि जेएलपी और गुडविल एडजस्ट किया है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलो नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेर गिवन, हो गया। गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू नॉट टू अपियर इन द बुक्स, हो गया। एंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड गाइस। लेट्स क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे दोस्तों। 51,000 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 51,000 माइनस 11,000 प्रॉफिट आ गया दोस्तों 40,000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? किस रेशियो में? 8:5:3। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8 ए 20,000 इंटू 5 बी 12,500 इंटू 3 सी 7,500। इसका भी जर्नल एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, 20,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, 12,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 7,500। बींग रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के बैलेंसेस निकाल लेंगे, तीनों के बैलेंसेस निकाल लेंगे। सी सबसे पहले क्रेडिट साइड बढ़ाए, बाय रिवैल्यूएशन दे दो, पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो 20,000 12,500 7,500। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। आप सी क्लोज करेंगे 70,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 92,500। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 92,500। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आया 71,500। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट। बी भी कर लेंगे, बी क्लोज करेंगे 80,000 प्लस 25,000 प्लस 12,500 117,500 117,500 माइनस 5625 माइनस 4875 107,000। एंड गाइस क्रेडिट साइड 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 16,875 प्लस 14,625 प्लस 20,000 1,91,500 बैलेंसिंग फिगर 1,91,500। ये तीनों भी फिगर्स बैलेंस शीट में आ जाएंगे दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 191,500, बी 1,07,000, सी 71,500। तीनों का टोटल 191,500 प्लस 1,07,000 प्लस 71,500 3,70,000। अब बैलेंस शीट में कैश का फिगर हमें लिखना है। कैश में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, जो फिगर बैलेंस शीट में आएगा वही फिगर हमें लिखना है। कितना? 40,000 डाल देंगे। 3,70,000 प्लस 70,000 प्लस 1,50,000 5,90,000 लाइबिलिटी साइड एंड 40,000 प्लस 50,000 प्लस 57,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,31,000 5,90,000। इंटायर क्वेश्चन डन गाइस, आई होप आपको समझ में आया। किसी को कोई शक हो तो बताइएगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? गुड क्वेश्चन मे कम फॉर 15 मार्क्स। दोनों भी क्वेश्चन आज जो हमने किए हैं दोनों भी 15 मार्क्स के लिए आ सकते हैं दोस्तों। ये वाला आसान, दोनों आसान है वैसे।
दोनों भी आसान है। चलो दैट्स इट, दिस एंड्स अवर पार्टनरशिप एंड नाउ देर विल बी नो रेगुलर लेक्चर्स फॉर दिसंबर 22 एंड फॉर मई 23। वी आर स्टार्टिंग अवर क्लासेस फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर। बाकी दिसंबर 22 वाले यूट्यूब पर हमारा रिवीजन चलेगा। 1 दिसंबर से मिनी मैराथन चलेंगे, डे बिफोर मैराथन होगा। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वन शॉट रिविजन ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज ड्यू डेट मैंने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है। सोग्रा और अकाउंट करंट कंडक्ट करूंगा इन कमिंग डेज ऑन यूट्यूब। ठीक, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन, सी यू सून इन रिविजन सेशंस, बाय बाय।